पटना में आज बिहार दंत चिकित्सकों की ओर से चिकित्सकों की अनदेखा करने के खिलाफ पटना के कारगिल चौक से डकबंगला चौराहा तक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि बिहार में 12 करोड़ की जनसंख्या पर लगभग 700 डेंटल पद सृजित है, जबकि इसे 4000 सृजन होना चाहिए। बिहार में लगभग 9200 रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं तथा इससे प्रत्येक वर्ष 500 चिकित्सकों की वृद्धि होती है, फिर भी बिहार सरकार आबादी के अनुसार 10 शिक्षकों की बहाली नहीं निकालती। इसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहा डॉक्टर सौरभ कुमार ने, अब भी सुनिए। उसके बाद 2013 में बहाली हुई, बिहार में तो लगभग 9200 रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन है, जिसमें से 650 जॉब में है, बाकी 8500 के आसपास बेरोजगार है। ठीक है, हर साल जो है 600 बच्चे डेंटल कॉलेज से निकलते हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार जब कोई भी चीज़ जो कॉलेज खुलता है या कुछ भी खुलता है तो सरकार को पता होता है कि उन डॉक्टर को हमें कहाँ खपाना है। अगर भारत में है, अगर बिहार में अगर BDS MBBS और IITN अगर बेरोजगार है तो आम आदमी का आप सोचिए क्या होगा। अगर यहाँ डॉक्टर बेरोजगार है तो नॉर्मल आदमी का तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। डॉक्टर अगर आज रोड पे उतर रहे हैं तो नॉर्मल आदमी का क्या होगा। ये सरकार की जो है ना मंशा को दर्शा रही है, सरकार की मंशा को दर्शा रही है कि डॉक्टर बेरोजगार है, कोई बेरोजगार है कोई मतलब नहीं है। 12 करोड़ जो डेंटल सर्जन है उनकी बहाली हर एक PSC पे, एडिशनल PSC पे, वेलनेस सेंटर पे होनी चाहिए और जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। और उसके बदले ग्रामीण चिकित्सक सब हैं सरकार। देखिए डेंटल में जो है जो डेंटल सर्जन है 70-20% एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग सर्जरी भी करते हैं और मेडिसिन भी लिख सकते हैं और हम लोग सक्षम हैं जनरल OPD करने के लिए। उसका भी अलाव हमें मिलना चाहिए, राजस्थान में अलावनेस है जहाँ भी मिलना चाहिए, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। उल्टे में बिहार सरकार आयुष चिकित्सकों को आप अनुमति देते हैं एलोपैथी की दवा लिखने के लिए तो हम 70-80% MBBS के इक्विवेलेंट पढ़ाई करके यहाँ पर 5 साल करके बेरोजगार हैं। हम सक्षम हैं जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन लिखने के लिए। और सबसे प्रमुख मांग ये है कि 12 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 700 दंत चिकित्सक सेंक्शन है, जबकि हम ये सेंक्शन सीट को बढ़ाने की मांग करते हैं कि उसको 5000 किया जाए और दंत चिकित्सकों को एडिशनल PSC पर बहाली किया जाए, जबकि एक भी एडिशनल PSC पर दंत चिकित्सकों की बहाली नहीं है। हम एडिशनल PSC पर दंत चिकित्सकों की बहाली की मांग करते हैं, वेलनेस सेंटर पर दंत चिकित्सकों की बहाली की मांग करते हैं। तीसरा ये कि हमें परमिशन, जैसे एलोपैथी को परमिशन दिया गया है उसी तर्ज पे हम दंत चिकित्सक सक्षम हैं जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के लिए हमको परमिशन। सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार नहीं मांगती है रोड पे उतरेगी। सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो 15 दिन के अंदर अगर हमारी इस प्रक्रिया में आगे कुछ कदम नहीं उठाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पटना में बैठ जाएंगे। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनवर अशरफ, बिहार दंत शिक्षा संघ का प्रदेश सचिव। हम सारे दंत चिकित्सक आए हुए हैं, हम लोग बहुत पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे सबसे मिल चुके हैं लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, तब जाके हमें सड़क पर उतरना पड़ा। हमारी मांग है कि PSC और एडिशनल वेलनेस सेंटर्स पे